बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मरी एक्सप्रेसवे के ऊपर ग्लोरिया जीन्स नाम का एक रेस्टोरेंट जिसकी चेन्स पूरे पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ पर एक वाकया पेश आया फैसलाबाद से आई हुई एक फैमिली के साथ। मैं इस वाक़े का जिक्र यहाँ पर इसलिए भी करना चाहती हूँ, दो दिन पहले ये वाक़या पेश आया है 12 सितंबर को, और मैं आज इसके बारे में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में पूरी अब डिटेल्स ली है। मुख्तसरन थोड़ा थोड़ा हर कोई बता रहा है, लेकिन दोनों साइड की स्टोरीज़ जो हैं वो मैंने कम्प्लीट ली है। उसके बाद CCTV फुटेज और ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ कैमराज से लोगों ने मुख्तलिफ फुटेजेस बनाई हैं, कुछ वो फुटेजेस जो इस वक्त आप लोग के पास हैं वायरल हुई हुई हैं, और कुछ उसके अलावा फुटेजेस हैं जो इस तरह से वायरल नहीं है, वो लोगों ने बस मुख्तसरन बनाई, कोई एक क्लिप कोई दूसरा क्लिप। और उसके बाद दोनों फैमिलीज की गुफ्तगू पर गौर करने के बाद मैं अब आपके सामने ये वीडियो बना रही हूँ और आपको थोड़ा इसके बारे में बताना चाहती हूँ। मरी में मुख्तलिफ सयाह आते हैं, उनको मुख्तलिफ शिकायत रहती है। पिछले 2 साल पहले की बात भी है, बायकॉट मरी की मुहिम भी एक चली। मरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, यहाँ से बहुत ज़्यादा तादाद में सयाह आते हैं। नदन एरियाज़, कागान, सवाद, गिलगित, वहाँ पर तो पूरे मुल्क से लोग जाते हैं, यहाँ पर भी पूरे मुल्क से लोग आते हैं, लेकिन बहुत रैंडम फ्रीक्वेंट जो इधर के व्यूअर्स हैं वो फैसलाबाद, लाहौर के खास तौर पे हैं। इस्लामाबाद के लोग तो हर वक्त ही आते जाते हैं, उनके तो बिल्कुल साथ ही है। मसला यह है कि हम एक तरफ सयाहत को फ़रोग देना चाहते हैं, सयाहत को फ़रोग देने के लिए बहुत ज़्यादा बर्दाश्त का मादा भी चाहिए। मैंने MBA किया है और MBA में हमें कहा जाता था कस्टमर जो होता है वो बॉस होता है, बाहर ये भी कहा जाता है कस्टमर इज़ गॉड। आपने कस्टमर को बर्दाश्त करना होता है, गलती कहीं से भी हो सकती है, उसका मकसद ये नहीं है कि आप 15-20 गुंडे जो एक शख्स के ऊपर जिसके साथ खवातीन भी हैं आप उसके ऊपर पल पड़े, तो ये कोई भी आप जस्टिफिकेशन दे के उन्होंने ये बोला, उन्होंने वो किया, उनकी खवातीन ये कह रही थी, और बाद की फुटेजेस बना बना के आपने जो दिखाई कि देखिए उनकी खवातीन यूँ बोल रही थी, तो आपने उनको जिस तरह मारा पीटा ज़दोकोब किया तो उन्होंने इस तरह से बोलना था। हमारे मुआशरे में एक बड़ी चीज़ है कि जी खातून यूँ नहीं बोल सकती, मर्द यूँ नहीं बोल सकता, मर्द जो मर्जी माँ बहन जो गालियाँ दे ले ठीक है, लेकिन औरत जो है ठीक है सही है, औरत को जेब नहीं देता, लेकिन औरत को भी गुस्सा आ सकता है, गुस्से में वो किसी तरह भी रिएक्ट कर सकती है, और जिस तरह आप लोगों ने उसके साथ किया और अब आप उनको एक बदनाम करने के लिए या जिस तरह भी आप उनकी खवातीन की वीडियोज़ जो हैं वो बार बार दिखा के ये बता रहे हैं कि जी देखिए ये खवातीन यूँ बोल रही हैं, तो थोड़ी देर के लिए सोचिए आपके घरों में भी खवातीन होंगी, वो भी कभी कभी ऊँचा नीचा बोल लेती होंगी, तो आप उनकी फुटेजेज या आप उनका तमाशा यूँ क्या सारी दुनिया में दिखाना चाहेंगे? आपके मर्दों की आपस की बात है, अगर इसको संभाल ले, आपने तो बीच में ख्वातीन को भी नहीं छोड़ा। वो शख्स जो इस वीडियो में कहता है मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और आप वो धक्के भी खा रही थी, उसको खुदा ना खासा कोई बड़ा कोई और मसला हो जाता तो फिर आप कहाँ जाते? और अब मैं दोनों साइड की स्टोरी ज़रा आपके सामने रखती हूँ कि वाकया हुआ क्या बेसिकली। सबसे पहले हम आ जाते हैं अली तौकीर की तरफ। अली तौकीर जो है वो अपनी बहनों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, फैमिली के बच्चे थे उनके साथ, ये फैसलाबाद से लाहौर की तरफ आते हैं। अब मुझे एक जुमले के ऊपर बड़ा एतराज़ है, वो भी मैं कह दूँ कि जी वहाँ पर जो स्टाफ था उन्होंने कहा जी ये फैसलाबाद नहीं है, ये तो मरी है। तो भाई आप लोगों को जो सारा ये रेवेन्यू मिलता है, जनरेट होता है, ये फैसलाबाद लाहौर के, ये लाहौर नहीं है। उन्होंने कहा लाहौर नहीं है, भाई आपने लाहौर को समझा हुआ क्या है? आप लाहौर आके ज़रा यहाँ के रेस्टोरेंट्स और यहाँ की जगहें तो देखिए। मैं खुद इस्लामाबाद से हूँ, मैंने लाहौर, अब मैं लाहौर में रही हूँ, लेकिन लाहौर के अंदर आप अगर आ जाए ना तो आप ये मरी और इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट्स आप भूल जाएंगे। तो आई डोंट नो, ये एक अजीब सा कल्चर है एक दूसरे को ताने मारने और ये क्लास डिफरेंसेस और ये चीज़ें बतानी। एनीवेज, अली तौकीर जो है अपनी बहनों और अपनी वाइफ के साथ यहाँ फैसलाबाद आते हैं। वाकया किस्सा शुरू होता है कि अली बताते हैं कि मगरिब का वक्त निकला जा रहा था, मगरिब का वक्त निकला जा रहा था, हमने नमाज़ पढ़नी थी, हम यहाँ पर पहुँचे, हमने इनसे पूछा, इन्होंने हमें इजाज़त दी, मैं उसके बाद गया, मैंने वुज़ू किया, मैंने नमाज़ पढ़ी। इनकी जो बहनें, एक बड़ी बहन और छोटी बहन, उन दोनों ने भी वुज़ू किया, इन्होंने भी नमाज़ पढ़ी। उन्होंने अलबत्ता इनसे ये ज़रूर पूछा शुरू में कि आप क्या ऑर्डर करेंगे, इन्होंने कहा फैमिली आती है तो फिर हम आपको बताते हैं। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक ये होटल का एक अच्छा जेस्चर भी था, और जाहिर सी बात है हर कोई अगर होटल के अंदर आएगा, वॉशरूम यूज़ करेगा और खाएगा नहीं तो कुछ चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं, यहाँ तक जस्टिफाइड है, उन्होंने पूछा तो उनका हक बनता था। उसके बाद अली कहते हैं कि जब मैं नमाज़ पढ़ के बाहर निकला तो मेरी वाइफ जो है वो भी नमाज़ पढ़ने के लिए बाथरूम की तरफ जाना चाह रही थी, वहाँ पे एक शख्स जो है उनके साथ बड़ा रूडली बात कर रहा था। मैं बाहर निकला और मैंने उससे पूछा भाई क्या मसला है, तो उसके बाद उसने जब मुझसे रूडली बोला मैंने उससे कहा कि अपने मैनेजर को बुलाओ, उसने आगे से मुझे कहा कि मैं ही मैनेजर हूँ, बड़ी बदतमीज़ी से रूडली और अजीब तरीके से गुफ्तगू की उन्होंने ये कहा। उन्होंने कहा, उसके बाद एक खातून भी वहाँ आ गई, उन्होंने कहा मैं मैनेजर हूँ बताइए
ये क्या बात है। उसके बाद ये कहते हैं कि इस तरह से कोई बहस मुबाहिसा जो भी हुआ, कोई धक्कम पेल जो भी हुई, ये कहते हैं कि हमने, मेरी तरफ से कोई शुरुआत नहीं हुई थी, उसने बदतमीजी से बोला, फिर उसके बाद बात जो है वो शुरू हुई। खातून जो उन्होंने आके कहा जी SOPs का मामला है, हम सबको इस तरह से नहीं भेज सकते। अब SOPs जो इसके मालिक बताते हैं वो ये कहते हैं कि चूंकि कोरोना का टाइम है, हम बारी बारी लोगों को कहते हैं कि आप अंदर जाइए, वॉशरूम इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद बाहर आइए। और दूसरी बात ये भी उनकी बात जस्टिफाइड है कि हमारे अगर होटल में कोई हमारे वॉशरूम्स यूज़ कर रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि इसके बाद जब ये तीन लोग नमाज पढ़ चुके हैं तो उसके बाद उनकी वाइफ और उनके साथ बच्चे भी, तीन चार खवातीन और साथ में बच्चे, ये जो है ये वॉशरूम की तरफ आए। तो उस वक्त हमने इनसे कहा कि आप पहले ऑर्डर प्लेस कीजिए, आप वेट कीजिए, अभी और लोग भी क्यों हैं। एनीवेज अली कहते हैं कि अच्छा, उसके बाद एक फुटेज जो है वो वायरल हुई हुई है जिसमें वो खवातीन जो हैं वो बड़ी गुस्से से उनको कह रही कि मैंने अंदर जाना है। इन लोगों ने वो फुटेज भी वायरल करके ये बताया कि ये देखिए इनके खवातीन कितनी बदतमीजी करी है हमारे साथ। अली ने बताया कि मेरी बहन का जब वुजू करने गई थी वॉशरूम में मोबाइल रह गया था, वो इन्हें कह रही थी कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे अपना मोबाइल लेकर आना है, और ये इनको अंदर जाने नहीं दे रहे थे। उसके बाद इन लोगों ने एक बड़ी नाजेबा हरकत की, मैं इसे नाजेबा इसलिए कहूँगी कि इन्होंने वहाँ की लाइट्स ऑफ कर दी, जहाँ पे 4-5 खवातीन खड़ी थी, 10-15 बंदे वहाँ पर आके खड़े हो गए, खवातीन खड़ी थी, बच्चे खड़े थे, इन्होंने लाइट वहाँ की ऑफ कर दी, जिस पे फिर शोर मचा। इनकी बहन ने कहा कि आप यहाँ पे लाइट कैसे बंद कर रहे हैं, मतलब एक एथिक्स होते हैं। अगर मैं कहती हूँ आप उन खातून को जा लेने देते, आप बाद में कुछ उनसे बातचीत कर लेते, या आप शुरू में ही उनको मना कर देते जब वो पहली बारी कोई पहला बंदा आया था। इनके मालिक ये भी कहते हैं कि अली ने जब वॉशरूम यूज़ किया उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो मुलाजिम थे उनको टिप भी दी, चले दैट्स अ वेरी गुड जेस्चर। एनीवेज अमला इकट्ठा हो गया, उसके बाद ये मार पिटाई, और उसके बाद ये कहते हैं कि हमने फिर 15 को बुलाया, और फिर जो पुलिस आई उसने भी कोई इनके खिलाफ खास कार्रवाई नहीं की। इनको इस चीज़ पर गिला है कि मरी की जो पुलिस है उन्होंने कोई खास कार्रवाई नहीं की। रावलपिंडी पुलिस क्या कहती है इस हवाले से, मैं आपको उस बारे में बताऊंगी, क्या कुछ अभी कार्रवाई कर चुकी है ये भी बताती हूँ। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं अरसलान इलियास, जो कि रेस्टोरेंट का मालिक है। उसने कहा कि अली नमाज के लिए आए, उस वक्त सिगरेट पी रहे थे, हमने इनको नमाज पढ़ने दी, इन्होंने ऑर्डर उस वक्त तक कोई पुटअप नहीं किया था। उसके बाद जब इनकी एक वाइफ जो है ये आई, उन्होंने कहा मैंने वॉशरूम जाना है, हमने कहा कि आप अभी नहीं जा सकते, SOPs को फॉलो करना है, कोई पहले भी अंदर था, नंबर वन उन्होंने ये बात कही। फिर दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अभी आप लोग ज़रा बैठिए, ऑर्डर पुट अप कीजिए, उसके बाद आप लोग वॉशरूम चले जाएगा। बेसिकली उनका मकसद ये था कि ये लोग पता नहीं शायद सारे आए जा रहे हैं, बारी बारी वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, और इन्होंने अगर खाना पीना नहीं है तो हमारे रेस्टोरेंट के अंदर इस तरह से अगर जितने सगया मरी में जिस तरह आते हैं तो लोग अगर आके वॉशरूम यूज़ करना शुरू कर दें तो भाई डेफिनेटली होटल के लिए या किसी भी रेस्टोरेंट के लिए मुश्किल हो जाता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और हमें भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता, आपने जहाँ भी खाना खाना है फिर आप वहाँ के वॉशरूम यूज़ करें, ये बात यहाँ तक समझ आती है। हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट सेइंग कि जो होटल के इंतजामिया की तरफ से किया गया वो दुरुस्त था, वो बहुत गलत था, और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि होटल का मालिक जो है वो अभी तक CCTV फुटेज जो है वो लोगों को नहीं दे रहा, यानी कि अभी उनको बुलाया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है, जब दूसरी तरफ की वीडियोस मौजूद है। आप भी अपना मौकफ दें, वीडियो दिखाएं, बात खत्म करें। CCTV फुटेज जो है पुलिस के हवाले कर दी गई है, लेकिन अभी तक लोगों के सामने नहीं लाई गई। अब ये भी नहीं जानते कि CCTV फुटेज के अंदर कोई तब्दीली की जाए या कुछ भी किया जाए, क्योंकि FIR जो है दूसरी तरफ से भी कटवा दी गई, दोनों पार्टीज की तरफ से FIR जो है वो मौजूद है। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि आप लोग वेट कीजिए। उसके बाद खातून जो है वो कहते हैं वो चल पड़ी, हमने रोकने की कोशिश की लेकिन वो चल पड़ी, आप फुटेज में देख सकते हैं। वो फुटेज कि अभी तक उन्होंने प्रोवाइड नहीं की, विच वीकेंड्स के वो जो बात कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि सबसे पहले अली जब बाहर आए तो उन्होंने अपनी वाइफ के साथ जब बात करते उस मैनेजर को या जो भी लड़का था उसको देखा तो उसको आके धक्का मारा, उसको आके बाजू से पीछे किया। अली कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर हुआ भी हो सकता है वो जब बाहर निकले हों, मर्द हैं, उन्होंने देखा कि खातून के साथ। सबसे बड़ी बात इधर जो मैं कहना चाहती हूँ, वो जो खातून है शी वॉज़ प्रेगनेंट, खातून को वॉशरूम जाना पड़ा, और ऐसी हालत में तो आपको ख़ुद थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि आप उनको जाने देते एथिकली। ये जो मैं अभी गुज़िश्ता कुछ वीडियोज़ कर रही हूँ, मेरा दिल बड़ी तकलीफ़ में है कि इंसानियत ख़त्म हो गई है कि पुलिस टाइम पर नहीं पहुँचती है, मोटरवे पुलिस जो है वहाँ पर, जो FWO वाले वो टाइम पर नहीं पहुँचते हैं, वो खातून बच्चों के साथ अकेली तन्हा वहाँ पर खड़ी हैं तो कोई नहीं पहुँचता, ये सबको जहाँ पर भी हो रहा है। एक खातून प्रेगनेंट है या वॉशरूम जाना चाह रही है, आप जाने देना, ठीक है, आप बाद में कर लीजिएगा ये बात। आप SOPs को फिर वहाँ दरवाजे से ही फॉलो करा लिया कीजिए, अंदर लाने के बाद लोगों को इस तरह से आप जो कर रहे हैं, और उसके बाद भी छोड़िए, आपने ठीक है आप कहें जी हम ये नहीं कर सकते, आप दिस इज़ नॉट अलाउड, आप उनके साथ ज़रा सख्ती से भी नहीं पेश आ सकते क्योंकि वो आपके कस्टमर हैं।
दूसरी साइड से पार्टी को भी बदतमीजी तो नहीं करनी चाहिए। अली कहते मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन आप ये देखिए कि 15-20 बंदों के दरमियान वो एक आदमी और वो औरतें हैं और वो उस बंदे को मार रहे इतनी बुरी तरह से, ये किसी तरह से जस्टिफाई, ये बदमाशी है, ये खुली बदमाशी है। वो मालिक होटल का 100 तावीले दे, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं कि आपके पास कोई कस्टमर आएगा बदतमीजी करेगा, आप निकाल के उसको मारना शुरू कर देंगे, वो अकेला आएगा और आपके 10 बंदे होंगे, वो मालिक कहते हैं मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। अरे भाई, आपके सारे बंदों ने मिलकर उसको मारा है, वो फुटेज वायरल है, वो कह रहे हैं मेरी बीवी प्रेगनेंट है, उसको हाथ ना लगाए, उसको कुछ हो जाएगा, जो भी है, आप लोगों को हया नहीं आई इस बात पर? आपने बच्चों को धक्के मारे, आपने खवातीन को बीच में ले आए मारने पीटने में, आपने बंदे का वो हाल किया कि वो हॉस्पिटल में है, वो तो अब उसकी जाहिर सी बात है तो वेरीफाइड है कि वो जख्मी हुआ है, और आप लोग 10-15 लोग थे, आप लोग के रूल्स रेगुलेशंस क्या, आप लोग जब होटल खोलते हैं या आपको बिजनेस इस तरह का शुरू करते हैं, कस्टमर सर्विस वाला बिजनेस है, इसमें आपको नहीं सिखाया जाता कि कस्टमर के साथ पेश कैसे आना है? कस्टमर बदतमीज़ भी हो बदतमीजी भी करे तो भी आपको जस्टिफाइड नहीं है इस तरह से मारना पीटना, ये दहशतगर्दी है, ये गुंडागर्दी है। यू आर नॉट अलाउड, नॉट जस्टिफाइड, और आप जो इसके लिए मर्जी कहें, और आपकी मौजूदगी में आपका अमला उसको कैसे मार सकता है जब तक कि आपकी अपनी रजामंदी अरसलान साहब शामिल ना हो। आप बराए मेहरबानी मासूम बनने की कोशिश मत कीजिए ज़्यादा, गलती है आपकी, जो मर्जी है गलती है आपकी। आपने एक ऐसी रश वाली भरपूर जगह पे अपना रेस्टोरेंट खोला है तो आपको खोलने के कुछ तौर तरीके भी आने चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा अली ने कि हमने यहाँ पे, आप देख सकते हैं फुटेजेस में, हमने कोई प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुँचाया, हम वहाँ बैठे थे, हम जख्मी थे, हमने 15 पर कॉल की, 15 वाले आए और उन्होंने यहाँ पर इनके खिलाफ तो कुछ नहीं किया, उन्होंने CCTV फुटेज भी शायद दिखाई है कुछ इस तरह से वो कहते हैं। ये सब कुछ मामला अपनी जगह है। रावलपिंडी पुलिस कहती है कि हमने 3 बंदों को जो है वो मुलजमान को गिरफ्तार किया इस मद में, और 3 मरकजी मुलजिम और दीगर के लिए हम छापे मार रहे हैं और CCTV फुटेज देख के हम बाकी चीज़ें डिसाइड करेंगे। तो देखते हैं कि अब हमारी पुलिस क्या करती है, क्योंकि यहाँ पे जो है ताकत का राज है और जो मजबूत है और जो पैसे वाला है वो हमेशा जीत जाता है। देखते हैं कि अब इस दफ़ा क्या होता है, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर एड्रेस होना चाहिए। अगर हमें सयाहत को फ़रोग देना है तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी, वरना हम फिर एक बार बायकॉट मरी शुरू कर देंगे। दिस इज़ नॉट अलाउड, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड, दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। मुझे मेहरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।